भारत के सबसे गणमान्य लोग, वो जिन्हें मिलता है भारत रत्न, क्या भारत रत्न ऐसे ही किसी को दे दिया जाता है? नहीं, एक बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद आपको भारत रत्न मिलता है। क्या है ये भारत रत्न, क्यों मिला जिसको मिला, भारत में इस समय भारत रत्न दिया जा रहा है तो उन नेताओं को क्यों दिया जा रहा है, क्यों अपोजिशन पार्टीज इसको लेकर एक चुनावी मुद्दा तैयार कर रही है, देखेंगे हम ये सारे डिटेल में टॉपिक्स और समझेंगे कि आज के प्रेजेंट टाइम में जब भारत में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों बाद, तो इन भारत रत्न को देने के लिए क्या क्या कारण है इसके पीछे। आइए देखते हैं इस पूरे टॉपिक को डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश दुबे और मैं डील करता हूं इंटरनेशनल रिलेशन पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे। और आज हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म में आए हैं जिसका नाम है नमो एबीसी यूट्यूब चैनल। पहली एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को सपोर्ट करिए। तो इस टॉपिक पर हम लोग शुरू करते हैं, भारत रत्न। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंडर आती है, उन्होंने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, पर्सनैलिटीज को भारत रत्न दिया है। कौन है ये 5 महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज? सबसे पहले आते हैं कर्पूरी ठाकुर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ईस्ट इंडिया से, पूर्व भारत से, बिहार से। उसके बाद आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, कौन नहीं जानता इनको। 1990 से जो इनकी राजनीतिक यात्रा चालू हुई है, अभी तक ये कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू चल रही है, इनकी लेगेसी। तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह, बहुत ही सिंपल सा नाम, जिनके बारे में बहुत सारे आज की जनरेशन जानती ही नहीं है, इनको मिला है भारत रत्न। पीवी नरसिम्हा राव, आज के डेवलप्ड, आज के मॉडर्नाइज्ड भारत की हम जो कल्पना करते हैं, उसकी जो नींव रखी गई थी वो इन्होंने ही रखी थी। MS स्वामीनाथन, आपके थाली में जो आपको खाना दिख रहा है, आपके मंडियों में जो आपको इतना सस्ता अनाज मिल रहा है, वो जो देन है, वो इन साइंटिस्ट की देन है जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। तो क्या है ये 5 पर्सनैलिटीज? पहले हम लोग इससे, इनके बारे में जानने से पहले, सबसे पहले समझते हैं कि ये भारत रत्न होता क्या है। तो अगर आप ये बैकग्राउंड में पिक्चर देखें, तो भारत रत्न आपको एक अवार्ड दिया जाता है जो एक पीपल के पत्ते में इसकी आकृति रहती है और ऊपर रहता है अशोक चिन्ह और नीचे लिखा रहता है भारत रत्न। तो भारत रत्न है क्या? तो भारत रत्न सबसे हाईएस्ट एक सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन क्यों? क्योंकि 2 तरीके से अवार्ड दिए जाते हैं भारत में, एक गैलेंट्री अवार्ड और दूसरा सिविलियन अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड मिलता है आर्मी पर्सनल्स को, जो देश के लिए अपना शीर्ष त्याग देते हैं, जो देश के लिए अपने आप को लहूलुहान कर देते हैं। और दूसरा होता है सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड मतलब वो लोग जो आम जिंदगी में कुछ ऐसे स्पेशल एफर्ट करते हैं जिसके कारण से पूरे पूरे देश या फिर पूरे पूरे समाज को वो बदल कर रख देते हैं। सो भारत रत्न एक सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो 1954 में शुरू हुआ था, मतलब आजादी के 6 से 7 साल बाद। कोई भी इंसान को ये रत्न, भारत रत्न मिल सकता है, चाहे वो किसी भी जॉब से आता हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समीकरण का हो, कोई भी जॉब करता हो, कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हम लोग किसी को भी ये भारत रत्न दे सकते हैं। ये एक्सेप्शनल सर्विस के लिए आपको दिया जाता है, ये एक ग्रेटिट्यूड है। हम देश की तरफ से आपको सम्मानित करते हैं कि आपने भारत के लिए इतना अच्छा काम किया। यहां पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसके ऊपर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, कि एक साल में आप 3 बार से ज्यादा, 3 लोगों से ज्यादा किसी को एक अवार्ड नहीं दे सकते हैं। यहां पर जो अवार्ड है उसके साथ आपको एक सनद, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और भारत रत्न के साथ आपको कोई भी मॉनेटरी गिफ्ट नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये कि आपको भारत रत्न तो दिया जाएगा, लेकिन वहां पर आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपकी पैसों से तुलना नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी है आर्टिकल 18 में, कि ये जो अवार्ड है
ये आप अपने नाम के पहले यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न सो एंड सो, हम लोग इस चीज को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो भारत में इक्वेलिटी की बात होती है उससे परे आ जाता है। पर आप इसको अपने जब लेटर लिखते हैं तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। सो भारत रत्न दिया किसके द्वारा जाता है? सो भारत रत्न दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सो ये है एक छोटा सा ग्लिम्स कि भारत रत्न होता क्या है। आइए बात करते हैं कि भारत रत्न मिला किसको। सबसे पहले बात की जाए तो भारत रत्न मिला कर्पूरी ठाकुर को। कौन है ये कर्पूरी ठाकुर? कर्पूरी ठाकुर बिलोंग करते हैं बिहार से, बिहार की एक नीची जात से, और इन्होंने एक एक्सेप्शनल केस दिया जहां पर ये बिहार को आगे लेके गए दो बार चीफ मिनिस्टर बनके। हालांकि दुख की बात यह है कि कभी भी इन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप, और या फिर बात करें कभी भी ये पूरी तरह से पूरे के पूरे 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, बट इनका जो भी कार्यकाल रहा ये बिहार की समाज को उत्थान करने में लगा दिए। ये कांग्रेस पार्टी के बहुत एक अगेंस्ट में खड़े रहते थे, और इसीलिए ये जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था 1970-80 के दशक में, तो इंदिरा गांधी इनके बहुत ज्यादा पीछे पड़ी थी इनको अरेस्ट करने के। एक तरफ जहां जेपी जयप्रकाश जैसे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को अरेस्ट नहीं कर सके थे क्योंकि इनका इतना ज्यादा पावर था, इनका इतना ज्यादा दबदबा था, क्योंकि लोग जानते थे अगर इनको अरेस्ट किया गया तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है। इसीलिए इनको इनके एक शॉर्ट नाम से बुलाया जाता है, जो नाम है इनका जननायक। सो जननायक कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड दिया गया, भारत रत्न की दिया गया, सम्मानित किया गया उनके अति विशिष्ट कार्य के लिए, उनके सामाजिक बिहार को उत्थान के लिए, नीची जाति में काम करने के लिए, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी सदा जमीन से जुड़े रहने के लिए। तो कर्पूरी ठाकुर को इस साल भारत रत्न दिया गया। उसके बाद बात आती है लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। अगर आप राम मंदिर को देखे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो निर्माण ना राम मंदिर का कैसे हुआ, तो इस शख्स के बिना वो राम मंदिर का सपना पूरा नहीं हो सकता था। सो जन्म हुआ सिंध में, बहुत ही निम्न वर्ग में, पार्टीशन के बाद भारत आ गए, और भारत आने के बाद ये अपनी पढ़ाई शुरू किए, और 1986 से और 1970 से ये अपनी राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं। राज्यसभा से सांसद रहे, उसके बाद ये जब जनता पार्टी से जुड़े हुए थे धीरे धीरे नई पार्टी की ओर अग्रसर हुए जो थी भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 1984 के चुनाव में, जिसके पास सिर्फ 2 सीट थी, 2014 में कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा यहां पर ये सरकार बनाते हुए दिखते हैं। तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी की अहमियत। ये लाल कृष्ण आडवाणी वही है जो 1990 के दशक में रथ यात्रा चलाते हैं और हिंदुओं को जागृत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट देव राम की जगह नहीं थी। ये रथ यात्रा चला के लोगों के पास ये सूचना फैलाते हैं, ये बात बताते हैं कि राम मंदिर जो हिंदुओं के एक बहुत इष्ट देव है राम, उनका घर की आवश्यकता है, जहां पर किसी और ने अपनी एक इमारत बनवा रखी है। वो इमारत इलीगल थी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये चीज साफ साफ बोली कि हिंदुओं को उनकी राम मंदिर की जगह दे दी जाए। और 2024 में हम लोगों ने ये देखा कि राम मंदिर भव्य रूप में बना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठान हुआ। कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे राम मंदिर के पीछे जो बहुत बड़े नेता या फिर जननायक का हाथ था, वो थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी के जी, और इसीलिए इनको राजनीतिक जीवन के लिए और सामाजिक कार्य के लिए इनको इस वर्ष भारत रत्न दिया गया। उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने जब भी पार्लियामेंट में जाकर बात करी तो वहां पर किसान के हितों के लिए बात करी। बहुत ही कम ड्यूरेशन, लगभग 80 दिन का इनका कार्यकाल था एज प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये कि ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे।
बहुत ही छोटे कार्यकाल में इन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि किसान इनके बहुत बड़े सपोर्टर बने। इन्होंने किसानों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, इन्होंने किसानों को एकत्रित किया और एक आवाज प्रदान करी पार्लियामेंट में, जहां पर किसान, जिसको भारत के रीढ़ की हड्डी तो बोला जाता है पर उसके लिए कोई काम नहीं किया जाता था, चौधरी चरण सिंह ने उनको आवाज दी और उनके लिए काम किया और इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया। सो चौधरी चरण सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, किसानों को करना चाहिए। उसके बाद आते हैं एक मॉडर्न आर्किटेक्ट साइंटिस्ट जो राजनीतिक परिवार से नहीं थे, एमएस स्वामीनाथन। कहानी एक सुनाओ तो 1970 के दशक में भारत के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। भारत ने अमेरिका से अनाज मांगा तो अमेरिका ने भारत को सबसे गंदी क्वालिटी का गेहूं भेजा। इतनी गंदी क्वालिटी का वो गेहूं था कि वो गेहूं अमेरिका उस समय अपने पशु मवेशियों को देता था, वो क्वालिटी का गेहूं भारत को दिया गया अमेरिका के द्वारा। जब ये बात वहां के लीडरशिप को पता चली और उन्होंने ये चीज बोली कि हमें भी जरूरत है कि हम अपना खाना खुद बना सके, क्यों? क्योंकि जब तक आप अपना ही पेट नहीं भर पाएंगे तब तक आप आगे का डेवलपमेंट कैसे करोगे। तो यहां पर सामने नाम आता है एमएस स्वामीनाथन का, जो बहुत ज्यादा फेमस है अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, हरित क्रांति के लिए। इन्होंने पूरे के पूरे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में पूरा का पूरा बदलाव कर दिया और एक हरित क्रांति लेकर आए। भारत एक सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी बन के रह गया फूड ग्रेन्स में, हम लोग अपना खाना खुद उगाने लग गए, हम लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे खाने के लिए। ही डेवलप्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब ऐसे सीड्स जहां पर आप एक पौधे से बहुत सारा क्रॉप उगा सकते हैं। इनको बहुत सारे प्राइज मिले, 1987 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, यूनाइटेड नेशन ने इनके बहुत ज्यादा तारीफ करी और इन्होंने ही टर्म क्वाइन किया एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। सो बहुत ही ज्यादा चर्चित चेहरा, बहुत ही स्पेशल नाम भारत की इतिहास में, क्योंकि अगर ये ना होते तो भारत अपना पेट अच्छे से भर नहीं पाता, अगर ये ना होते तो भारत में जो आज अनाज इतने सस्ते दामों में मिल रहा है वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि अगर आपका सप्लाई ही नहीं कर सकते, अगर आप इतना अनाज उगा ही नहीं सकते तो आप सस्ते दामों में उसको बेच कैसे सकेंगे। देन उसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी है जो मरने के पहले और मरने के बाद दोनों समय न्यूज में रहे। मरने के पहले कैसे? 1991 भारत की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, दो नाम निकल कर आते हैं, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। ये दोनों नाम भारत को एक नई इकोनॉमी देते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ये बोलते हैं कि भारत की इकोनॉमी को खोलो, बड़े बड़े निवेशकों को आने दो बाहर से, तभी भारत डेवलप कर पाएगा। और वो 99 का साल था और आज 2024 का साल है कि भारत में बाहर बाहर से इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं और भारत के डेवलपमेंट में अपना थोड़ा सा योगदान करना चाहते हैं। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि भारत इतना स्वयं से प्रभुत्व है कि वो खुद से डेवलप कर सकेगा। बट वो राह किसने दिखाई? पीवी नरसिम्हा राव ने। बट इनके साथ ना बहुत ही बुरा हुआ पॉलिटिकली। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं? 2004 मई 2004 सरकार बदल चुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी और नई सरकार मनमोहन सिंह की वापस से आ गई थी। बट दिसंबर 2004 में इनका निधन हुआ और जब इनका निधन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर का, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर का जब निधन होता है तो उसको बहुत ही रेस्पेक्ट से उनको लास्ट राइट्स दिए जाते हैं और ये कहा जाता है वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये इनकी पार्टी थी कांग्रेस, तो इनकी डेड बॉडी उस पार्टी के हेडक्वार्टर में रखा जाता है। तीसरी बात, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपका जो लास्ट राइट्स होंगे वो नई दिल्ली में ही होते थे, पर जो उस समय कांग्रेस के जो पूरे के पूरे कठपुतली जैसे चला रही थी वो थी एक लेडी
और जब इनकी डेथ हुई और बोला गया कि अब इनकी डेड बॉडी को चलो कांग्रेस के हेडक्वार्टर लेकर चलते हैं, तो इनका जो कैरावान था, इनका जो ट्रक था, वो आधे घंटे तक कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने खड़ा रहा, बट गेट नहीं खुला उस कांग्रेस हेडक्वार्टर का। जब पूछा गया, जब बोला गया वहां के वॉचमैन से कि अरे भाई गेट तो खोल दो, तो उन्होंने बोला अभी तक ऊपर से एक मैडम का परमिशन नहीं आई। बेचारे जो इनके परिवार वाले कुछ थे, इनकी बॉडी को लेकर हैदराबाद चले गए। हैदराबाद क्यों? क्योंकि ये हैदराबाद से बिलोंग करते थे, इनका नेटिव हैदराबाद में था, रहते ये हमेशा से दिल्ली से थे, बट आपका एक समय गांव था, तो इनका जो लास्ट के जो राइट्स थे वो हैदराबाद में किए गए। और कांग्रेस ने इनको जानबूझकर भुलाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि इनकी कांग्रेस के जो मालकिन थी उनसे पटती नहीं थी, और इसी तरह इनके कार्यों को भुला दिया गया और सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन था, जो रिकग्निशन था, वो मनमोहन सिंह को दे दिया गया कि मनमोहन सिंह ही एकलौते आदमी थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बनाया था। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी किसी नेता को जो एक परिवार से बिलोंग नहीं करते उनको ऐसे भुला देती है, उनके इतिहास को ऐसे भुला देती है। पर ये जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, उन्होंने इन सारे पांच विभूतियों को याद रखा, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को याद रखा और इन सभी को रिकग्नाइज किया भारत रत्न देकर। अब यहां पे सवाल उठता है बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज का कि क्या ये जो अवार्ड दिया है कहीं इसका कोई राजनीतिक कारण तो नहीं, इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं? क्यों? क्योंकि भाई 2024 है और 2024 में मई में भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं, और सबसे बड़े इलेक्शंस में आप कुछ भी करते हो वो इलेक्शंस जीतने के लिए। पर हमारा सवाल ये है कि अगर आपको इलेक्शंस ही जीतने होते तो आप इसको और वेट करते, इलेक्शन के टाइम के जस्ट पहले ही अनाउंस करते, सो दैट एक मोमेंटम बना होता, आप उससे वोट पा लेते। जो कांग्रेस पार्टी है वो ये बोल रही है कि आप पीवी नरसिम्हा राव को अवार्ड देके साउथ के वोट को जीतना चाहते हैं, आप बिहार के एक नेता को वोट देके बिहार के वोट को जीतना चाहते हैं, आप वेस्टर्न यूपी के नेता को वोट देके आप यूपी में वोट जीतना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो एमएस स्वामीनाथन को वोट अवार्ड देके हम लोग क्या जीतना चाहते हैं? तो यहां पर क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो ऑपोजिशन कह रही है वो सही है? पर यहां पर दूसरा व्यू भी है। दूसरा व्यू ये है कि है तो ये एक राजनीतिक दल ही, बीजेपी है तो एक राजनीतिक दल ही, तो वो जो कार्य करेगी कहीं ना कहीं राज जो इलेक्शंस है वो जीतने के लिए ही करेगी। आई तो है नहीं वो कि भैया वो खैरात बांटे। तो हर चीज जहां पर वो कोई काम करती है उसका कोई ना कोई एजेंडा तो हो गई होगा। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस थी तब भी वो कोई ना कोई ऐसा काम करती थी। जब कांग्रेस थी तब उसने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा की सीट दी थी ये सोचकर कि उसको वोट मिलेंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, 2014 में इलेक्शन हार गए, बट कोशिश तो उन्होंने भी की थी। तो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीति तो खेलेंगी, बट हमें एज अ कॉमन पॉपुलेशन इस राजनीति से उठना चाहिए। हमें ये बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो सरकार है इसने पद्म जो अवार्ड है उसको किस तरीके से डेमोक्रेटाइज किया है, हर जाति के हर वर्ग के लोगों को यहां पर पद्म अवार्ड्स दिए हैं। पहले की सरकार के जैसे नहीं कि जो एक परिवार की चाटुकारिता करते थे बस उन्हीं को ही ये अवार्ड्स मिले। तो चेंज हुआ है, बट हाँ है तो राजनीतिक पार्टियां ही, राजनीति तो करेंगे। क्या है आपका इसमें व्यू? आपको क्या लगता है कि ये जो अवार्ड दिए गए इन पांचों नेताओं को या फिर पर्सनैलिटीज को वो सही थे कि नहीं थे? प्लीज कॉमेंट करके बताइए। जो भी आपके मन में आपके ओपिनियन है हम लोग को बताइए, हम लोग से साझा करिए और हमारे चैनल को ऐसे ही ग्रो करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।